नांदेड़ शहर और जिले में चार दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। नांदेड़ से करीब वाक़ धने गाँव के अदनान गार्डन इलाके में मेन रोड पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किल दरपेश आ रही थी। लेकिन ग्राम पंचायत रुकन जनाब रफी अहमद साहब ने अपनी मेहनत और कोशिशों से जेसीबी मशीन के सहारे यहाँ के पानी को बाहर निकालने का इंतजाम किया। जैसे ही रात में इस सड़क पर पानी जमा हो गया, सुबह से 6 बजे से ही रफी साहब अपनी टीम के हमरा इस पानी को बाहर निकालने के काम में मसरूफ हो गए। कई घंटों की कोशिश के बाद यहाँ का पानी बिल्कुल साफ हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मगर जनाब रफी अहमद साहब हमेशा इस इलाके की तरक्की और तरवीज के लिए कोशिश करते रहे हैं। अदनान गार्डन का इलाका काफ़ी पसमानदा है और यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं थी, लेकिन रफी अहमद साहब ने अपनी कोशिशों से यहाँ पर कई सहूलियात मुहैया करवाई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। पानी जो है जवाहर नगर से पानी इधर आता, पूरा उतार होने की वजह से तो पूरा पानी जो है वो यहाँ आके रुक जाता और हर साल ये प्रॉब्लम होते ज रहेगी। रोड का काम का आमदार साहब ने फंड दिए, उसमें से शायद रोड बन जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये हर साल का मसला है। तो हमारी कलेक्टर साहब से ये डिमांड है कि कलेक्टर जो नेचुरल नाले है धने गाँव के जो बंद हो गए हुए हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर दिए, बंद कर दिए, वो नाले ओपन करके जो है वो पानी का इंतजाम करना, क्योंकि लोगों के दुकानों में घरों में पूरा पानी घुस जा रहा। अभी फिलहाल हैदराबाद हाईवे भी बंद है, उस पर भी पूरा पानी जमा हुआ है। तो ये हर साल की प्रॉब्लम है और हर साल जो है जेसीबी लाना, पानी निकालना, लोगों को आने जाने को रात भर रास्ता बंद था, तकरीबन 3-3.5 फीट पानी था रोड पर, तो ना ऑटो निकलता, ना कार निकलती, ना मोटरसाइकिल पे जाने आता। पीछे तकरीबन 5-6 हज़ार लोगों की जनसंख्या की आबादी है, घर बने हुए है, वो लोगों को रात में इमरजेंसी है, दवाखाना जाना है, बहुत परेशानी हुई। तकरीबन 3-4 साल से ये प्रॉब्लम हो रही है, हर साल बारिश में आना, जेसीबी लगाना, पूरा नाली खोद कर निकालना, पानी निकालना, ये प्रॉब्लम हर साल की हो गई। लेडीज की ज्यादा परेशानी हमारी, हाँ अभी जेसीबी लाके पूरा रात से पानी पूरा खराब था, पूरा पानी निकाले जेसीबी लगा के, अब पानी जा रहा, लेकिन ये पानी आगे जाके फिर वो हैदराबाद हाईवे के ऊपर जमा हो जाता, वहां से भी जाने आने नहीं आ रहा। था ये प्रॉब्लम है, हर साल का प्रॉब्लम हो गया, कम से कम 5-6 साल से इतने प्रॉब्लम चल रहा है और ये लेडीज में ज्यादा एक ने परेशानी हुई और ऊपर से रास्ता भी महिला वालों की और बस्तियों की जो है बंद हो रहे हैं, यहाँ पर ना बच्चे स्कूल को जा सक रहे हैं ना कुछ भी हो रहा है, स्कूल को तो बंद ही हो गया टोटल, अभी बच्चों को जाना लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कलेक्टर साहब ने थोड़ा सा ध्यान दे के जो नेचुरल नाले है वो चालू करा देना, तो पानी का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और ये हर साल का मसला, ये कमर तक पानी है यहाँ पर, कमर के ऊपर का पानी, ये देख सकते हैं आप जरा यहाँ पर, बता दो देखो जरा यहाँ पर पूरा पानी, वो जो ऑटो जा रहा देखो, ऑटो में देखो पूरा ऑटो निकला रहे हैं, अगर ये पानी चलेगा तो मसला बहुत होगा। अभी आधा पानी जाने के बाद ये हाल है, अभी डीपी तक चलेगा तो 2 घंटे से जेसीबी से पानी निकालने के बाद ये हाल है। ये हर साल का है, हर साल का देखो गाड़ी आ रही है, अभी वो गाड़ी तो जूम करके बताओ, ये कोई बीमार के अंदर तो कैसा ले जाना दवाखाने को बताओ, शादी एक्सरे करो, वो गाड़ी में जूम करके लेके आ, अरे जय पत्नी की परेशानी है, लेडीज की परेशानी है, यहाँ पर कैसा जाएंगे यहाँ पर लोग, पूरा रास्ता गार्डन का ये 8-10 कॉलोनी जो तकरीबन 3 साल से हमारे अदनान गार्डन के जो रोड के नैसर्गिक नाले है 3-4 साल से बंद कर दिए, कुछ एरियों पे अतिक्रमण हो गया है और कुछ नाले बंद करके प्लॉटिंग कर दिया है, या कुछ खेतों वालों ने बंद करके रुकाए वाले है, कुछ जगह वालों ने रुकाए, नैसर्गिक नाले जो धने गाँव से है वो पूरे धने गाँव में आके बंद हो गया है। ये पानी पूरा जो है जवाहर नगर से आता हमारे धने गाँव में और ये 22 कॉलोनियों को नैसर्गिक नाले बंद है, इसके वजह से धने गाँव की जो रोडा है, धने गाँव के रोडों के ऊपर पानी का प्रॉब्लम है, घुटनों की उतना पानी है, 4-3 फीट पानी है। ये तो सुबह 3 बजे से हमारे वाली साहब जो है देख रहे, सुबह 7 बजे से हमारा जेसीपी, सुबह के 7 बजे जेसीपी आया था हमारा, जेसीपी पूरा हमारा जो है ग्राम पंचायत धनेगांव ग्राम पंचायत का जेसीपी पूरा
नाले वाले अदनान गार्डन की जो रोड है वो क्लियर करके दिया। अभी भी 2-2.5 फीट अदनान गार्डन की रोडों पे पानी है और हमारी ये कलेक्टर सब से मांग है कि जो नैसर्गिक नाले है अदनान गार्डन के अतराफ के और हैदराबाद हाईवे भी बंद है तो ये नेशनल हाईवे के पास का नाली भी साफ होना और नैसर्गिक नाले का जो अतिक्रमण है वो खत्म हो जाना।